अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल अलसरा। उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस से होंगे और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ़िलहाल बज रहा है 1 और सडनली हमने प्लान बनाया, मैंने और सरफराज़ ने, कि आज हम चलते हैं इफ्तार बाहर करते हैं और कुछ घर से ही बना के ले जाएंगे हल्का फुल्का। तो मैंने अभी जस्ट अरीशा को जल्दी जल्दी नहलाया, रेडी किया है कि तैयार कर लेती हूँ। रीज़न ये था कि आज 29th रोज़ा, लास्ट मे बी लास्ट रोज़ा, तो शायद से आज चांद दिख जाए और ईद कल हो। तो हम इसी प्लानिंग से सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं और निकलते हैं कॉर्निश पे जाके हम चांद देखने के लिए कोशिश करेंगे। तो अभी बस ये तैयारी सारी उसी के लिए चली है, अरीशा को रेडी कर दिया और मैं अब जा रही हूँ इफ्तार तैयार करने कि थोड़ा हल्का फुल्का कुछ आइटम बना लूँ घर से, फिर वो लेके चलेंगे हम लोग यहाँ से कॉर्निश पे। मेरी प्यारी बेबी मेरी बात सुन लेती है फौरन फौरन, बहुत अच्छी हो गई अरीशा तो। अरीशा इज बिकमिंग अ गुड गर्ल नाउ। चलो अब पीछे का भी बाकी रह गया ना, क्लिप भी लगाना है, उठो उठो। सो मैंने हल्की सी अफ्तार में क्या रेडी किया, मैंने आलू के चिप्स रेडी किए हैं, चटनी बनाई है और फ्रूट चाट और जूसेस हैं, बस यही बनाया है मैंने आज। तो चलो चलो चलो, और हम बस अपने पैकेट लेके चल रहे हैं कॉर्निश की तरफ। अभी तकरीबन 45 मिनट्स बाकी हैं आराम होने के लिए, तो हम बस निकल जाए कि जल्दी से पहुँच जाए वहाँ पे। अरीशा तुम क्यों लेके चल रही हो? अरीशा ने ब्लैंकेट ली है ना? अरीशु क्या लिया है अरीशा ने? ब्लैंकेट। और ये आगे सामान रख देती हूँ तो पीछे बैठने के लिए अच्छी सी जगह रहेगी। बस निकल रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों भूल गई? कौन भूला दुदू? कौन भूल के आया दुदू? बताओ जल्दी नीशु, मैं बोझ मारूंगा। वापस रिटर्न आते हुए अपने घर के पास, क्योंकि अरीशा का फीडर भूल गई थी मैं, तो बस अरीशा ने आधे रास्ते में याद दिलाया तो वापस हम रिटर्न आए कि फीडर अच्छा, ले लें। उसने याद दिलाया। हाँ अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे तो बस अब यहीं से ले लेते हैं वापस। बैग मिल गया है, बस मैंने रखा हुआ था टेबल पे, मुझे लगा अरीशा उठाएगी पर उसने उठाया नहीं इसलिए छूट गया था। चलो मिल गया तुम्हारा। इट्स अ कमर्शियल पोर्ट सामने। अच्छा आज तो सुबह से क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो चांद दिखने के चांसेस तो थोड़े थोड़े कम होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा है ना कि क्लाउड में अक्सर चांद छुप जाता है और आज का चांद ना बहुत हल्का सा होता है तो फ़ौरन आता है फ़ौरन चला जाता है, बिल्कुल पता नहीं चलता है कि चांद दिखा भी है कि नहीं दिखा है। मुझे समंदर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं लो फील करती हूँ या थोड़ा अच्छा नहीं लगता तो मैं हमेशा सरफराज़ को बोलती हूँ कि चलो कहीं पे चलते हैं कॉर्निश की तरफ और वहाँ पे ले जाना जहाँ पे ना पानी बहुत करीब में हो। तो बस आ गए हम वहाँ पे जहाँ पे मेरा दिल करता है हमेशा आने के लिए। और ये हम आ चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हमने इरादा किया था कि आज अब हम इफ्तार करेंगे, और इफ्तार हमारी रेडी मैंने लगा दिए क्योंकि अब से मुश्किल से 3 या 4 मिनट बस रह गया है। अरे अरीशा बर्ड्स देखो, चिड़िया आ गई। मुश्किल से 4 मिनट रह गया तो मैंने सोचा कि पहले ही हम लोग अफ्तार अपनी निकाल के रख लेते हैं और अभी इंशाल्लाह अजान होगी और कोशिश में ही लगे हुए हैं कि कहीं चांद दिखे, पर आज बहुत ज़्यादा क्लाउड है तो चांसेस तो कम लग रहे हैं कि आज चांद दिखेगा, और अगर आज चांद नहीं दिखा तो कल ईद नहीं है, और अगर कल नहीं दिखा तो परसों तो पक्का ही ईद होगी, तो फिर कोई चांसेस नहीं है चांद देखने के कल, क्योंकि आज का चांद ना थोड़ा एक्साइटिंग चांद होता है, मतलब बहुत ख्वाहिश रहती है कि चांद दिखे तो इसलिए। अरीशा मत जाओ उधर, थोड़ा गैप है ना, बेबी गिर सकती हो, इधर बैठ जाओ। अरीशा ये देखो बर्ड्स का, इधर बैठो, बर्ड्स आएंगे ना अभी, तुम उनको खाना खिला देना ठीक है। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, गुड गर्ल बैठो, ओके ना बैठ जाओ।
बैठो बेबी, ये हम यहाँ पे बैठ गए हैं। हाँ दूदू, दूदू जी दूदू झूला, अभी चलेंगे झूला। अभी हम इफ्तार यहाँ पे कर ले, हमने इफ्तार लगा लिया ना, तो इफ्तार कर ले। इफ्तार करने के बाद हम कहाँ जाएंगे? झूला। और ये हमारी आज की इफ्तार। हाय, कितनी अच्छी व्यू है यहाँ पे ना सफू, कितना मजा आ रहा है। मुझे ऐसी व्यू बहुत पसंद आती है कि अपना सुकून के साथ इंसान कहीं बैठा हो, और हम ऐसे, हमने ऐसे अपनी इफ्तार लगाई है और आसपास कोई भी नहीं है और अकेले हम यहाँ पे बैठे बस। ये इतना आज मुझे अच्छा लगा हमारा सेटअप कि मैं बता नहीं सकती। ये हमने कार को ऐसे खड़ी किया पूरी प्रॉपर, और इधर से हमने इसका, ये सफ़ू का जो वो था सनशेड था, उससे हमने इधर पर्दा किया, उधर सफ़ू के दरवाजे से पर्दा लगाया, और इधर समंदर, और हम यहाँ पे अपनी इफ्तार लेके बैठे हैं। कितना प्यारा नज़ारा है, मतलब दिल खुश हो गया। और आज हमारा स्पेशल डे भी है क्योंकि हमें चांद देखना है, तो बस नज़र घुमाए जा रही हूँ कि कहीं तो दिखे, कहीं तो दिखे। तो आपको क्या लग रहा है सफ़ू, आज चांद दिखेगा? आज चांस कम है वैसे, एज पर द न्यूज़ यही है कि शायद से चांद नहीं दिखेगा। अच्छा, और कल रहेगा या तो, हाँ कल ही रहेगा क्योंकि कल वैसे भी 30 रोजे हो जाएंगे। हाँ कल तो 30 रोजे हो ही जाएंगे, तो पता ही कि सैटरडे को तो ईद होनी ही होने, पर चांसेस तो है क्योंकि आज हाई टाइड दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाई टाइड है, तो शायद ऐसा चांस हो कि चांद दिख जाए। पर अब अल्लाह भरोसे। शूज अभी पहनाऊंगी बेबी, नीचे रखो ना। ईद मुबारक, ईद मुबारक हमारी तरफ से। और अभी अभी हमने जस्ट न्यूज देखी, चांद तो मैं दिखा नहीं था, तो न्यूज पे देखा हमने जस्ट अभी 3 मिनट्स पहले ही अपलोड हुआ है कि कल जुमा को यहाँ पे सऊदी अरब में ईद है, तो वहाँ इंडिया में होगी सैटरडे को परसों। तो बस खैर मुबारक सबको, ईद मुबारक सबको, और हम बहुत खुश हो गए आज तो बाहर आके। ईद मुबारक। चलो आज हमारा सक्सेसफुल हो गया, जो जो मोटिव से हम लोग आए थे अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया, आज चांद दिख गया। यहाँ से हम लोग आ गए हैं और यहाँ पार्क में भी अरीशा को लेके आए हैं। अब अरीशा यहाँ 2-3 घंटे इंजॉय कर लें, उसके बाद से हम यहाँ से कहीं जाएंगे, दिल किया तो घर जाएंगे या तो अगर भूख लगी तो कहीं खाना खाने जाएंगे इंशाल्लाह। हम आ चुके हैं ग्रिलो, अगर हमने ये इरादा बनाया है कि अगर ग्रिलो में हमें जगह मिल गई, स्पेस मिल गया, तो हम रुक जाएंगे यहीं पे और अपना खा के डिनर करके ही जाएंगे यहाँ से। पर अगर हमें स्पेस नहीं मिला और वेटिंग ज़्यादा लंबी हुई तो हम इंशाल्लाह फिर चले जाएंगे अपने एरिया से ही, कुछ फिर हम इरादा करेंगे। वैसे ये तो कुछ अलग किया है, शायद से आगे से कवर कर दिया ना। कौन सा? मुझे लग रहा है कि आज इफ्तार के बाद से सब एम्प्टी हो गया और हमें स्पेस तो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। वरना हमने ये सोचा था कि आज हमने एक नया न्यू रेस्टोरेंट देखा है, इसके सामने ही नया रेस्टोरेंट खुला हुआ, तो हमने सोचा अगर यहाँ पे स्पेस नहीं मिला हमें तो हम वहाँ चले जाएंगे, पर स्पेस तो मिल गया, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ऐसे क्लोज होता है और पूरा पर्दा हो गया रास्ते से, और अब हमारा एक स्पेस हो गया हमारे लिए। ठीक है, क्या कह रहे थे आप? नहीं, मैं कह रहा था स्कैन कर लो ना, तो ऑर्डर कर लेना। ओके ओके, ये बारकोड जो है इसको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद इनका पूरा प्रॉपर पेज आ जाएगा, खुल जाएगा, उसमें मेन्यू वगैरह जो भी है यहाँ पे वो सब कुछ आ जाएगी, तो बस उसमें से आप सेलेक्ट करो और फाइनल कर लो, फिर आप जाके वहाँ पे काउंटर पे वो आप अपना शेयर कर दो, तो फिर वो आपको ऐसे रिसीट देंगे कि आपने टोटल ऑर्डर कर दिया है। तो ये इनका बुलाने का या ऑर्डर करने का ये सबसे बहुत अच्छा है, स्कैन फॉर ऑर्डर। तो ये मुझे अच्छा लगा कि आप बैठे बैठे ऑर्डर कर दो। हमारी बिल आ चुकी है और सरफाज ने ऑर्डर कर दिया, सो टोटल अमाउंट हुआ है 64 यार, और हमने मंगाया है पिज़्ज़ा रंच, वाटर पेप्सी और सिट्रस, चिकन बिरयानी विद राइस। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स रखे हैं, वो अरीशा बताएंगी क्या क्या है। अरीशा बताइए उसके अंदर क्या क्या है। ये है रेड सॉस, और ये था सॉल्ट,
और लाई हम बताएं हरीशो, और ये है ब्लैक पेपर, और अरीशा के पास क्या है? ऑलिव ऑयल। अरीशा के पास क्या है? ऑलिव ऑयल है। और ये अरीशा ने सबको सेट कर दिया। नीचे उतरो, नीचे उतरो। हाँ कुछ तो लिखा है, दिस फोन थिंग खाली पड़ा हुआ है। दिस फोन ग्रिल रेस्टोरेंट। सफो आज की ट्रीट के लिए थैंक यू, चांद रात को आपने चांद चांद जैसा बना दिया। कुछ कह तो दो। सो फिर तो ओके, नहीं आज अच्छा था, मुझे भी अच्छा लगा आज ना। हाँ 8 तारीख हमने हल्की अच्छी की थी। हाँ और जगह भी अच्छा पकड़ा था। हाँ। सुकून में। और इसी के साथ साथ हम अपना व्लॉग आज का ख़त्म करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पता चल जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, बूम बूम बूम।